अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और रमज़ान की मसरूफियत की वजह से मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, हालांकि मैंने पहले यही प्लान किया था कि मैं रोज़ कोई ना कोई अपलोड करूँगी, चूँकि रोज़ ही कोई ना कोई न्यू डिश मैं ट्राई करती हूँ। और अफ्तारी में भी माशाल्लाह से सारा बंदोबस्त किया जाता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई सारी वीडियोज़ को रिकॉर्ड। तो अभी मैं बना रही थी चिकन कैसेडियाज, तो इनके लिए सॉस है। इस सॉस में मायोनीज, केचप और थोड़ा सा जो है गार्लिक आपने जो है पीस के डालना है, और नमक और रेड पेपर, वो मैंने सॉस बना ली है साथ। और अभी ये प्याज और जो लहसुन है वो ब्राउन हो रहे हैं, तो जब ये हो जाएंगे तो इनके अंदर जो किचन चिकन है बॉयल करके मैंने रखा हुआ है वो डालना है, और साथ रेड सॉस जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी इसके अच्छे कलर के लिए। आप चाहें तो वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम, हाँ तीनों कलर की, उससे काफ़ी कलरफुल हो जाता है। ये काफ़ी मज़े की और यूनिक रेसिपी है, चिकन पॉकेट्स आप कह रहे हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो स्पाइसेस हैं आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने हैं, आप इसमें कोई से भी डाल सकते हैं, ओरिगानो, रेड चिली और कुछ भी। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी हैवी क्रीम डाली है इसके और ज़्यादा टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। आप चाहें तो वाइट सॉस में भी ये बना सकते हैं, जो मैंने ब्रेड की रेसिपी आपको बताई थी वो मैं वाइट सॉस में बनाती हूँ, और जो ये सॉस बनाई थी ये इसके अंदर डाल देनी है, तो ये इसका इस तरह से सारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब आती है बारी फिलिंग की। इस तरह के जो हैं ये रैप्स मिलते हैं, और बारीक सी ब्रेड बनी हुई, और ये आपने लेनी है और इसके अंदर इस तरह से ये जो मिक्सचर है वो ऐड करना है, और इसके बाद इसको ऐसे पॉकेट की तरह से रैप कर देना है। उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ लगा के पहले सबसे आपने बटर लगाना है, उसके बाद मिक्सर डालना है, और उसके बाद फिर जो चीज़ है वो डाल देनी है। मैंने चेडर चीज़ यूज़ की है इस तरह से बना के, तो आपने सबको रख देना है, और फिर बस इसको लाइट सा दोनों साइड से फ्राई करना है, और इतनी जल्दी से क्विक ये रेडी हो जाते हैं, तो ट्राई कीजिएगा।
हल्का सा बटर लगाना है पैन में और इस तरह से दोनों साइड से कुक कर लेना है आपको। बहुत जल्दी रेडी है और ये आपके हो जाएंगे केसरिया। तो ये थी आज इजी सी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये मेरी कल की वीडियो थी, इसमें मैंने जो ब्रेड्स हैं वो बेक की थी डिफरेंट टाइप्स की, किस पिज़्ज़ा रोल और ब्रेड विंग्स और जो चिकन रेगुलर ब्रेड है वो सारी। ये जो है पिज़्ज़ा रोल मैं बना रही हूँ, इसमें सेम जो मिक्सचर अभी मैंने केसरियाज के लिए बनाया है वो ही बना था। और सिर्फ डो आपने गूंद लेनी है पिज़्ज़े की, मेरी चिकन ब्रेड की रेसिपी में आपको डो की रेसिपी मिल जाएगी। और उसमें ये डाल के तो आपने रैप करके उस तरह से रख देने हैं ये सारे, और फिर ऊपर आपने चीज़ डाल देना है और इनको बेक करना है। ये भी काफ़ी यूनिक रेसिपी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जिनके एक साइड बंद है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। बढ़िया बढ़िया।